गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज का देखिए जो व्लॉग शेयर करने वाले हैं वो देखिए मेरी आपा के घर से आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ, मतलब मॉर्निंग में। कल रात में एक्चुअली आए थे बट कल का कोई व्लॉग नहीं हुआ मेरा, तो इसीलिए सोचे कि आज मॉर्निंग से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट उसके बाद भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। कुछ दिनों से काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था जिस रीज़न से बिल्कुल भी व्लॉग रेडी नहीं हो पा रहा है। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद आज रेगुलर मेरा जो व्लॉग है पब्लिश होता रहेगा। यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग घर चले जाएंगे और फिर घर का बहुत सारा काम है, उसको भी कंप्लीट करना है। जिदान और ईजान को पढ़ाना भी है। बच्चे यहाँ पर जब भी आते बिल्कुल भी पढ़ाई के मूड में नहीं रहते, और मेरा जब भी मन होता है आपा के पास चले आते हैं, मतलब अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने में सबके साथ काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर इफ़त, इकरा, आपा, शाहिद भाई सब कोई रहते हैं, और मेरे अम्मी अभी राजरहाट में है, मतलब वो यहाँ पर अगर रहती तो अच्छा ही होता क्योंकि उनसे मिलना हो जाता। यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से जिदान के पापा उसको हेयर कॉम्ब कर रहे जिदान को। हम लोग कल रात को ही निकल जाते बट बहुत तेज़ बारिश हो रहा था जिस रीज़न से हम लोग नहीं निकल पाए। तो फिर अभी आफ्टरनून टाइम में हम लोग निकल रहे हैं। अभी मे भी टाइम हो रहा है 12:30 और यहाँ पर ईजान देखिए अपना काम में बिजी है, और उसको जब पता चला हम लोग घर जाएंगे, देखिए सब बैठे हुए हैं लेकिन ईजान कीटो पहनने में बिजी है। माशाल्लाह ईजान काफ़ी समझदार है बट जब ज़िद करने लग जाता है तब किसी का नहीं सुनता, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी है। जिदान उस हिसाब से बहुत कम ज़िद करता है बट ईजान बहुत ज़्यादा ही करता है। अभी देखिए ईजान सबको बाय बाय कर रहा है इतना प्यार से, और इसके पीछे कुछ रीज़न भी है क्योंकि इकरा का शर्त था अगर तुम मुझे प्यार नहीं करोगे तब तुमको चॉकलेट नहीं मिलेगा, इसीलिए वो हर एक शर्त वो मान रहा था ईजान। देखिए अभी उसको चॉकलेट बिस्किट मिला, वो काफ़ी खुश हो गया। मतलब उसको अपने आप ही से कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब उसकी आप ही का जितना सारा चॉकलेट्स रखा हुआ रहता है फ्रिज में सारा ईजान का हो जाता है। ईजान हर एक चीज़ कब्जा कर लेता है। और बच्चे यहाँ पर छुपे हुए थे मुझे डराने के लिए, और हम लोग सीधा चले गए थे न्यू मार्केट, वहाँ से कुछ परचेजिंग करना था हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए न्यू मार्केट, यहाँ से जिदान और ईजान का बैग परचेज करना था। बट क्या हुआ ना, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, मतलब सडनली जिदान के पापा को कॉल आ गया, मतलब कोई काम से ही कॉल आया था उनका, तो इस रीज़न से हम लोग निकल गए थे। हम लोग थोड़ा सा मार्केट एक राउंड लगा करके हम लोग सीधा चले गए थे घर। तो इस तरह से हम लोग का थोड़ा सा घूमना भी हो जाता है, बच्चों को टाइम पास भी हो जाता है, और बच्चों को खिलाना पिलाना भी हो जाता है, इससे बच्चे बोर भी नहीं होते। उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बना इसलिए नेक्स्ट डे व्लॉग मेरा कंटिन्यू रहेगा। The next day. और नेक्स्ट डे देखिए ब्रेकफास्ट करने के बाद आज बहुत सारा वेजिटेबल्स लेकर बैठ गए, और यहाँ पर देखिए कुछ ब्रिंजल है, बरबट्टी है। जिदान के पापा को आज जो जो एक्चुअली वेजिटेबल्स बता दिए थे वही वेजिटेबल्स वो लेकर आए। मॉर्निंग टाइम में सारा वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट फ्रेश रहता है तो अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए बट ब्रिंजल कभी भी फ्रेश नहीं मिलेगा, बाहर से एकदम नीट एंड क्लीन लगता है बट अंदर से देखिए एकदम खराब हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कट करते हुए कुछ ब्रिंजल साइड करके रख दिए और अच्छा वाला जो है दूसरे साइड में रखे। यहाँ पर देखिए बिटर गर्ड है अच्छी तरीके से कट किए, और कुछ बरबट्टी आलू का सब्जी बनाना है विद प्रॉन के साथ वो भी कट कर लिए। तो कट करने के बाद मेरे पास फिश है, आज हम लोग को लंच में फिश फ्राई एंड ब्रिंजल फ्राई, बस यही दो चीज़ खाना है। यहाँ पर चिकन रखा हुआ है, इसको अच्छी तरीके से वॉश करना। तो सारा कुकिंग का काम कंप्लीट करने के बाद अभी देखिए आराम से बैठे हुए हैं। अभी जितना सारा आइटम्स कुक हुआ है सब देखिए सर्विंग बोल में सर्व करना है, और ये चिकन आलू कोरमा है। कैसा लग रहा है देखने में कमेंट्स करना ना भूलिएगा। देखिए कितना स्पाइसी आज बना, कभी कभी मन हो जाता है जो इस तरह से बनाते हैं क्योंकि रेगुलर मेरा ऑयल फ्री रहता है, आप बता सकते हैं भाजी में एकदम ऑयल फ्री रहता है और प्लस उतना ज़्यादा मसाला ऐड नहीं होता है। आज कुकिंग में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारा जो चॉपिंग आइटम्स था पहले रेडी हो गया था मेरा, इस रीज़न से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
सर्विंग बोल में डालने का रीज़न है सारा जो देखिए यूटेंसिल्स है सबको क्लियर करना है, मतलब वॉश करके सारा क्लियर करना है, और सर्विंग बोल रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ये जो सर्विंग बोल है ओवन प्रूफ है, इसीलिए ठंडा भी अगर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पर छोटा सा क्यूट सा देखिए हॉटपॉट है मेरे पास, इसमें बहुत सारी चीज़ एक्चुअली रखने का मन होता है बट जब जो पॉसिबल होता है तभी रखा जाता है। ये जो सब्जी है मुझे लगा यहाँ पर रखने में आज का परफेक्ट मेरा होगा। ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे और एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। एंड आप सब अच्छे से रहिए एंड खुश रहिए, रिमिस फैमिली के साथ में बने रहिए।